नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल, आपके अपने फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मीरापुर में 13 नवंबर को वोटिंग होनी है और समाजवादी पार्टी ने पूर्व सांसद कादिर राणा जी की पुत्रवधु सुंबुल राणा को चुनाव मैदान में उतारा है। चुनावी रण अब शुरू हो चुका है और हजारों की तादाद में कादिर राणा जी के समर्थक उनके आवास पर इस वक्त जुटे हैं। तो कैसा माहौल मीरापुर विधानसभा सीट पर है और क्या नतीजा मीरापुर विधानसभा क्षेत्र से आने वाला है, उसी बारे में हम पूर्व सांसद कादिर राणा जी से बात करेंगे। तो खान साहब, बड़ी उम्मीद थी राणा जी, लोग तो आपके चेहरे पे ही चाह रहे थे भाई उम्मीदवार, लेकिन अब बहू को आप लोगों ने चुनाव में मैदान में उतारा। बधाई हो माने अखिलेश जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, हमारे समाजवादी पार्टी के नेता को, मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, अब पार्लियामेंट में नेता विरोधी दल के हैसियत में अपने आप को हैं। मैं अपनी पार्टी का, आपने हमारे वर्करों का और सर समाज का बहुत बहुत दिल से बधाई मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने मेरा नाम सुझाया और इतने वहां प्रत्याशी थे सबके बीच में मेरा नाम करने का तय किया, मैं उनको बधाई मुबारकबाद देता हूं और अपनी पार्टी के नेताओं को लेकर छोटे से लेकर बड़े तक वर्कर को सबको बधाई देना चाहता हूं। लोगों की जुबान पर आपका नाम का था, नाम था, उसके बाद में दूसरा नाम आता था तो हमारे भतीजे का आता था, ये बहू का नाम कहाँ से आगे बढ़ाया आप लोगों ने? देखिए बालियान साहब, मैंने आपको पहले भी कहा था मेरा टिकट नहीं है, कहता नहीं कहता आप मुझे कहते थे नहीं तुम्हारा टिकट है जी। तो अब माने अखिलेश जी ने फैसला लेकर और नए नए बच्चों को आगे बढ़ाने का उन्होंने तय किया है, उन पार्टी के नेताओं ने तय किया, वो उनका फैसला है। अच्छा, सुंबुल राणा का नाम इसलिए भी आगे किया गया है कि दो बड़े राजनीतिक घरानों से उनका ताल्लुक है, एक बड़े राजनीतिक घराने की बेटी है और एक बड़े राजनीतिक घराने की बहू है। अब देखिए उनकी सोच तो उन तक होगी, उनका तो जहाँ से हमारी सोच चले वहाँ जाके ख़त्म हो जाए, उनकी शुरू हो गए, उन्होंने जो भी तय किया होगा वो उन्होंने सोच के अच्छा ही किया होगा जी। तो मुनकाद अली साहब आपके समधी हैं, निश्चित तौर पर दूसरे पार्टी में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि अब चुनाव लड़ने की सही रणनीति है, बसपा भी इनडायरेक्ट वे में सपोर्ट करेगी? नहीं, वे तो सपोर्ट नहीं करेंगे, उम्मीद है वे तो अपनी पार्टी को करेंगे और उधर ही उनका अपना रुख रहता है। अब ये देखिए बड़े बड़े नेताओं जैसे आपका MP के हैं, राजा क्या नाम है उनका जो अब इस समय मिनिस्टर हैं, सिंधिया, उनकी मम्मी कहीं थी, वे कहीं थे, ये तो चलता रहता है, सब अपनी अपनी पार्टी का मामला काम करते हैं। मुझे ये उम्मीद है मेरी पार्टी के वर्कर और सपोर्टर मतदाता मीरापुर का एक वोट डालने का, समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेंगे। अच्छा MP साहब, पहले ही आज़ाद समाज पार्टी जाहिद हुसैन को चुनाव मैदान में उतार चुकी है और बहुजन समाज पार्टी का अगर टिकट ना बदला तो, वैसे तो चर्चाएं आपका नाम आने के बाद में ये शुरू हो गई है, सुंबुल राणा के नाम आने के बाद में भी बसपा का कैंडिडेट बदल रहा है और उसमें शायद आप लोगों की बड़ी भूमिका रहे। हमारी भूमिका क्या रहेगी? देखिए साहब, अपने अपने आप को मन अपनी अपनी किस्मत लाता लिखवा के, जब हम 93 में चुनाव लड़े थे कोई हमें जानता भी नहीं था, हम भैंस चुका में थे, खेती का काम करे थे, जंगल से आए, टिकट लेके चले आए, माने नेताजी ने दे दिया, कोई ना कोई तो लड़ेगा ही, कोई ना कोई किसी भी समाज से लड़े, कहीं से भी लड़े। पर मेरा ये कहना है समाजवादी पार्टी का जो PDF का नारा माने अखिलेश जी ने दे रखा और समाजवादी पार्टी ने दे रखा, 99% वोट उधर समाजवादी पार्टी को जाएगा, कोई भी लड़ता वो समाजवादी पार्टी को मत डालने का काम, जो अदर कास्ट भी है और माइनॉरिटी भी है सब उधर ही डालेंगे। क्यों, अभी अभी में आपने देखा होगा 24 में इतना अच्छा रिजल्ट आया, 13 हमारी सीटें आई हैं, 37 सीटें और 6 कांग्रेस ले गई, कांग्रेस कुछ और थोड़ा सा बढ़त की तो आपको मन बना लेती तो हो सके और ज़्यादा सीट जीतते, आप पार्टी भी रही, कांग्रेस भी रही, समाजवादी पार्टी भी रही, सबने बड़ा अच्छा करके चुनाव जीतने का काम किया, जीता जाएगा चुनाव। नहीं, चर्चा ये चल रही है MP साहब की भाई सिमदाने का असर रहेगा और बसपा का टिकट बदला जाएगा सर वो तो वो जो कुछ उनका पार्टी का फैसला होगा, और पार्टी के बारे में तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं, BSP के कैडर को, BSP की बात को अच्छी तरह आप सब जानते हैं, उनका अपना
माहौल है, अपनी सोच है, अपनी बात है, वे चाहेंगे अच्छे से अच्छा कैंडिडेट आए, हमारा जीते। अच्छा, आज की तारीख में आज़ाद समाज पार्टी ने जाहिद हुसैन उतारे, बहुजन समाज पार्टी ने शाहनजर उतारे, और अब ये चर्चा है कि भाई मुस्लिम वोट बटेगी तो चुनाव फंस जाएगा आप लोगों का, वो हो सकता है। देखिए, कुछ भी हो सकता है, तो चुनाव है, इसमें मैं कुछ कह दूँ नहीं जी, मैं सारा इकट्ठा कर लूँ वहाँ कर लूँ। हमारा काम है मेहनत करना, हमारे वर्करों का, हमारे सपोर्टरों का, हमारे मतदाताओं का, हमारे नेता का, नेता अखिलेश जी का जो डायरेक्शन मिलेगी उस पर काम करने का काम करेंगे, कोशिश के ये करेंगे ऐसा ना हो, कोशिश करना हमारा अपना मेहनत रहेगी, हमारे समर्थन है, हर बिरादरी का हमारे साथ मतदाता है, मुश्किल होगा ऐसा कुछ हो, ज़्यादा से ज़्यादा वोट समाजवादी पार्टी को जाएगा, क्यों ये बैकवर्ड का भी एक अपनी अलग ही वोट डलेगा। आज जो माहौल चल रहा है, आपने सारी चीज़ देखा, हालात देखे, जिस हालात में चुनाव है इस पर ही होना। तो किन मुद्दों का असर रहेगा मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में? मीरापुर पे तो समाजवादी पार्टी के मुद्दों का असर रहेगा, जो समाजवादी पार्टी के मुद्दे हैं बस। अभी प्रत्याशी कार्यकर्ताओं के बीच में, समर्थकों के बीच में नहीं आई हैं, और लोगों की बड़ी उम्मीद है, सीधा उन्हें सुने हैं देखें, वो आ जाएंगे 24 तारीख को पर्चा डाल लें। अब वो रात हम लोग लेट आए थे, थोड़ा दिल्ली रुके, और हो सके रात में अभी रात आए हों या अब आ जाएंगे थोड़ी बहुत देर में जी। गाड़ी भर का कैंडिडेट थे समाजवादी पार्टी से मीरापुर में, और उम्मीदें आपकी पूरी हुई, जो मायूसी है या खलिश है उसे कैसे दूर करेंगे? और कहीं ना कहीं होता है कि जब सामने बहुत सारे कैंडिडेट हो तो भीतरघात की आशंका भी बढ़ जाती है। समाजवादी पार्टी में ऐसा नहीं होगा, और आपने देखा भी है चुनाव अभी हुआ 24 में, सब लोग लगे रहे, एक तरफा वोट डलवाया सब समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, कोई भी काज का हो, कोई भी सा हो, किसी ने ये नहीं किया भाई नहीं वोट नहीं डलना, किसी ने थोड़ा काम किया, किसी ने ज़्यादा किया, किसी ने ज़्यादा मेहनत की, पांचों उंगली एक साथ नहीं होती, एक छोटी एक बड़ी, सबका अलग अलग काम रहता है जी। आज़ाद समाज पार्टी के कैंडिडेट दावा कर रहे हैं कि साहब दलित हमारे साथ में है, और मुस्लिम अगर जुड़ गया तो फतेह हमारी, कादिर राणा साहब तो मुकाबले में ही नहीं है। देखिए बालियान साहब, आपने बात बहुत अच्छी कही, ये माइक है और जबान के सामने कोई जगह नहीं, चाहो जितनी लंबी ले जाओ, इसका कोई ठिकाना नहीं, ये तो 13 को और 23 को पता लगेगा क्या होगा, क्या होगा। तो बड़ी बात कादिर राणा साहब कह रहे हैं, सारे जो दावे हैं और विपक्ष के जो प्रत्याशी हैं उनके भी दावे हैं, उनको लेकर वो कह रहे हैं कि जनता के हाथ में फैसला है। 3 मुस्लिम प्रत्याशी आज यहाँ मैदान में हैं, और कादिर राणा साहब कह रहे हैं कि भाई वे ये दावा नहीं करते कि सारे मुस्लिम उनके साथ में हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि जो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है वो एकजुट रहे, और 36 समाज से भी वो लोगों का भरोसा, विश्वास और वोट हासिल करें।